हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुकद्दस लुका की अंजील उसका नामा बाब 28 से 36वीं आया तक, और इन बातों के तकरीबन 8 रोज़ बाद वो पतरस और यूहन्ना और यकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया, और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बराक हो गई, और देखो दो आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे, ये मूसा और इलियास थे जो जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में होने को था, मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब जागे तो उसके जलाल को और उन दो आदमियों को देखा जो उसके साथ खड़े थे, और जब वो उनसे जुदा होने लगा तो पतरस ने यीशु से कहा, ए उस्ताद हमारा यहाँ होना अच्छा है, बस हम तीन डेरे बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि वो क्या कहता है, वो ये कह ही रहा था कि बादल आया और उन पर साया किया और उनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए, और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल मकबूल, तुम उसकी सुनो। और आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं मिटाई जाए, ऐ मसीह तेरी स्ताइश हो। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीलिये सूरत की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज आलमगीर कलीसिया मसीह खुदावंद की तब्दीलिये सूरत की ईद पुरमुसरत और पुरवकार जज्बे से मनाती है। तब्दीलिये सूरत की ईद का शुमार 5 कदीम ईदों में होता है, जिसका तफसीलन तज़किरा अनाजील मुआफ़का में अंजील नवीस अपने अपने अंदाज में रकम तराश करते हैं। तब्दीलिये सूरत का ये अजीम उलशान वाक़या कैसरिया फिल्पी के वाक़यात के एक हफ्ता बाद पेश आया। बिलाशुबा इसमें यसु अपने आइंदा जलाल की एक झलक शागिर्दों पर जाहिर करते हैं, जो हमारी तवज्जो दूसरी आमद यानी आमदेसानी की तरफ मबजूल करवाता है। खुदावंद यसु की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और लम्हात नहायत ही अहमियत का हामिल हैं, जिनमें एक अनोखा वाक़या तब्दीलिये सूरत का है। जब हम इसके तारीखी पस मंज़र को देखते हैं तो तब्दीलिये सूरत की ईद इब्तदाई कलीसियाओं में सिर्फ मशरकी कलीसिया में ही मनाई जाती थी, जिसका अरूज और असरात गालबन 7वीं सदी तक खासे मुतासर कुन रहे। 1456 में तुर्की के फौजी इस ईद को फतह मंदी के निशान के तौर पर मनाते थे, इसलिए ये ईद फतह मंदी की अलामत समझी जाती है। ताहम मुख्तलिफ नशेबो फराज से गुजर कर बिलाखर मगरबी कलीसियाओं में वकू पजीर ये ईद खासी मकबूल ठहरी। नीज़ इसकी रूहानियत वसत और अहमियत मजीद गिरदो नवा में फैलती गई। फिर उस वक्त के पापे आज़म कलेक्टस सोम ने 1457 में 6 अगस्त को इस ईद को हर साल आलमगीर सतह पर मनाने का बकायदा ऐलान किया, और साथ ही कलीसिया के लतूरिया कैलेंडर में बड़े दर्जा की ईद के तौर पर शामिल करने की तलकीन भी की। बादशाह पाप आज़म मुकद्दस जॉन पॉल दोम ने 2002 में रोज़री के भेदों की तरमीम करते हुए नूर के भेदों को मुतारफ करवाया, जिसमें उन्होंने एक भेद खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीलिये सूरत के नाम से मंसूब किया। आइए आज की पहली तलावत का इक्तबास देखते हैं। आज की पहली तलावत दानियल नबी की किताब के 7वें बाब से मुज़य्यन है, जिसमें 4 हैवानों की रोया का जिक्र मिलता है जो 4 मुख्तलिफ कदीम सल्तनतों को जाहिर करती है। नंबर 1 बाबल की सल्तनत,
नंबर दो मादी सल्तनत, नंबर तीन फारस की सल्तनत और नंबर चार सिकंदर आजम की सल्तनत। आज की तलावत का मतन दानियल नबी की किताब के दूसरे हिस्से यानी 17-14 अबवाब से है, जो दानियल नबी की रोयाओं पर मबनी है। दानियल और उसके तीन साथी बाबल हुकूमत में आला और अहम ओहदों पर फाइज थे। मुतद्दद बार उनके ईमान की आजमाइश हुई, वो आग की भट्टी में डाले गए, शेरों की मानिद मौत का सामना किया, शाही खुराक से माजरत कर ली, बादशाह के ख्वाबों की ताबीर की, लेकिन तमाम बातों के बावजूद भी ईमान में मजबूत और खुदा में कामिल वफादार रहे। जब दानियल ने देखा कि तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अलियाम बैठ गया, उसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था, और तब अरबाब अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। नीज ये कि इब्ने इंसान बादलों के साथ आया, सारी हकूमत अजमत और मुमलकियत उसके सुपुर्द की गई, ताकि तमाम कौमें उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार हों। दानियल नबी बताते हैं कि उसकी हकूमत अबदी और लाजवाल है और उसकी मुमलकियत गैर फनी है। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल के ख़त से मुक्तस है, और गैन सबसे पहला शख्स था जिसने इसे पत्रस की तसनीफ समझकर कबूल किया। अबाए कलीसिया की तहरीरों में भी इसका अधुंधला सा अक्स ज़रूर मिलता है। मसलन क्लेमसिस अजरोम इस बात का रकम तराज है। आज के इक्तबास में मुकद्दस पत्रस लोगों को बजाते खुद इस बात की गवाही देता है कि उसने आप उसकी अजमत देखने वाला होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और जहूर की खबर दी है। मुकद्दस पत्रस मसीह के साथ तब्दीली सूरत के वाक़े को बड़ी खुशी और फ़ख्र के साथ बांटता है और इस बात का इकरार करता है कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कायम है, क्योंकि वो चिराग है जो तारीकी में रोशनी बख्शता है। कलाम की रोशनी से जलाल के फजल के लिए आए हम मुतजस्सम हों। आज का अंजीली इक्तबास खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का मंजर बयान करता है, जो ज़मीन पर आसमानी जलाल का अजीम मंजरनामा है। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने की गर्ज से अपने तीन शागिर्दों के साथ यानी पतरस, यूहन्ना और यकूब के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। पतरस तीन डेरे बनाने की ख्वाहिश करता है, जबकि पतरस के अलावा दिगर दो शागिर्द बिल्कुल खामोश नजर आते हैं, और यीशु सफ़ेद बराक पोशाक में है और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमकता है, जबकि दूसरी तरफ मूसा और इलियास यीशु के इंतकाल की बातें करते हैं, और खुदा बादल से आवाज़ देता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल मकबूल, तुम उसकी सुनो। लफ्ज़ तब्दीली सूरत या ट्रांसफिगुरेशन नए अहद नामे में यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ मेटामॉर्फोसिस से माखूज या मुश्तक है। मेटा जिसका मतलब तब्दील होना, जबकि मॉर्फोसिस का मतलब किसी शक्ल सूरत या हालत के हैं। कामूसल किताब के मुताबिक उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ सूरत के मायनी शक्ल, चेहरा, नक्श, मानिद या कैफियत के होना है। इब्तदा में खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी मानिद बनाएं। तकवीन एक बाप उसकी 26वीं आयत से। इस बात से एक गहरा बेद मुनकशफ हो जाता है कि जो इंसान को अपनी सूरत पर पैदा कर सकता है, वो वक्त आने पर खुद भी इंसानी सूरत इख्तियार कर सकता है। बर्तानिका इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कदीम यूनानी तब्दीली सूरत के इस अनोखे वाक्य को एक ख़ास पहलू यानी थियोफनी के नाम से जानते हैं, जो खुदावन के आलीशान जहूर की अलामत है, जिसका मतलब है कि खुदा आलीशान जहूर के साथ अपना आप जाहिर करता है।
जैसा कि कोह सीना पर उसका इलाही जहूर होता है। खरूज 19 बाब 26 ता 25वीं आयत से मुकद्दस जॉन ऑफ क्रिसोस्टम फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीलिय सूरत का वाक्या इल्मुल आखरत यानी एस्कटोलॉजी का इनकशाफ बयान करता है, जिसकी शागिर्द हरगिज ताब ना ला सके और डर गए। दूसरी जानिब यही वो ईद है जिसकी वजह से कलीसिया अपने अकीदा यानी डोगमा को वाज़े करने के काबिल ठहरी कि खुदावंद यीशु ही कामिल खुदा और कामिल इंसान है। ये उन लोगों के लिए मुंह बोलता सबूत है जो इसकी अलूहियत या इंसानियत पर शक करते हैं। लिहाजा तब्दीलिय सूरत खुदावंद यीशु मसीह की एलानिया ज़िंदगी के जलाली दुखों और मुर्दों में से जी उठने की पेशन गोई का अजीम वाक्या है जो उसकी मुकम्मल अलूहियत को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु ने पतरस यूहन्ना और याकूब का ही चुनाव क्यों किया? माहिर इलाहियात मुकद्दस नीकोदेमस फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु का पतरस यूहन्ना और याकूब का इंतखाब करना इसलिए ज़्यादा मौजू है क्योंकि ये तीनों दूसरे शागिर्दों की नस्बत दरपेश होने वाले वाक़े के लिए ज़्यादा तैयार थे, क्योंकि यीशु दिलों और गुर्दों के जानने वाला है और यही वो तीनों थे जिन्हें यीशु यायर के घर में अंदर ले गया था। पर इन्हीं तीनों हवारियों यानी पतरस यूहन्ना और याकूब की मौजूदगी में मुबारक के सूरत तब्दील हो जाती है। यीशु के पहले शागिर्दों में इन तीनों का चुनाव भी हुआ जब ये दरियाए उर्दन में माहीगीरी कर रहे थे। यीशु उन्हें बहादुर और मजबूत ख्याल करता है। खुदावंद यीशु की तब्दीलिय सूरत उर्दू फ़रोज़ुल लुगात के मुताबिक लफ्ज़ रखशंदा या रखशंदगी के लुगवी मायनी है चमकीला, रोशन, चमकदार, दरखशानी, नूर, किरण, तजल्ली, मुनव्वर या फिर नूरानी होना। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका चेहरा सूरज की मानी चमका और उसकी पोशाक नूर की मानी सफ़ेद हो गई। मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसकी पोशाक ऐसी दरखशां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। जबकि मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद हो गई। मुकद्दस लूका अपनी अंजील में मावराई और फितरत से बैद अलामात इस्तेमाल करता है। ताम हकीकत की दलील में दर हकीकत पोशाक का सूरज की मानी चमकना, नूर की मानी सफ़ेद होना, दरखशा होना या फिर पोशाक का सफ़ेद बराक होना यीशु के नूर होने को जाहिर करता है। दूसरी जानिब चेहरे के चमकने का हवाला हमें मूसा के खुदा के साथ मुलाकात के दौरान भी मिलता है। मूसा और खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे के चमकना या सफ़ेद होना ईमानी लिहाज से बिल्कुल फ़र्क और मुतजाद है, क्योंकि यीशु के अंदर अपने आप नूर निकला और ना सिर्फ महज चेहरा बल्कि उसकी सारी पोशाक सफ़ेद बराक हो गई, जबकि मूसा का चेहरा खुदा की तरफ से नूरानी ठहरा। मूसा का सिर्फ चेहरा ही चमकता था जबकि खुदावंद यीशु मसीह का ना सिर्फ चेहरा बल्कि सारी पोशाक भी दरखशां थी। इस अमल से यीशु शागिर्दों पर जाहिर करना चाहता है कि वो दुनिया का नूर है। दुनिया का नूर मैं हूँ, यूहन्ना 8 बाब उसकी 12वीं आयत। वह नूर आलम है और इस नूरानियत में वो हमें भी दावत देता है कि हम नूर बनकर दुनिया में उसके गवाह ठहरें। जिस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीलिय सूरत का वाक्या पेश आता है, मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ये एक ऊंचा पहाड़ है। ताहम हम नहीं जानते कि ये कौन सा पहाड़ है, लेकिन यूं कहा जाता है कि ये कोह ताबूर का पहाड़ था जिसे अरबी में जबल अल तरिया अल ताबूर कहते हैं। तीनों अनाजील नवीस पहाड़ पर मौजूद एक नूरानी बादल का तज़किरा भी करते हैं। नूरानी बादल का साया यहूदियों के लिए खुदा की मौजूदगी और हजूरी की अलामत था
जैसा कि बहरे कुलजम को पार करते वक्त बादलों का साया बनी इसराइल के साथ साथ था। खुदावंद दिन में उनके आगे बादल के सतून की मानी चलता था और हजूरी के खैमा में भी बादल का सतून नीचे उतरता और खैमा के दरवाजे पर ठहरता था। फिर कई सालों बाद ये बादल सुलेमान ने जब हैकल बनवाई तो जाहिर हुआ। ताहम ने अहदनामा में यही बादल आज रूनुमा होता है जब बादल से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल मकबूल, तुम इसकी सुनो। अज़ीज़ मोमिनीन, मशहूर माहिर फ़लसफ़ा और इल्म इलाहियात डोमिनिकन मुबल्लग मुकद्दस थॉमस अक्वाइनस फरमाते हैं कि खुदावन यसु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या यसु की ज़ात से मंसूब था। ये एक अजीम मौजज़ा है जो हमारे बपतिस्मा की तजदीद और हमारे अब्दी मेरास में दाखिल होने का कामिल वसीला है। आए हम भी अपने बपतिस्मा वादा की तजदीद करते हुए अब्दी मेरास के लिए सलीब उठाकर जलाल को पहुँचें और पतरस की मानित कहें कि आए रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। आए हम यसु की आवाज़ सुने, पतरस की मानित डेरे बनाने की ख्वाहिश ना करें। हम अपने कपड़े ही नहीं बल्कि अपनी सूरत और सीरत को भी तब्दील करें, अपनी आदतों, सोचों और फैसलों को तब्दील करें, अपने सवालों, जवाबों और इबहाम को तब्दील करें। हम भेस बदल कर नहीं बल्कि दिल बदल कर आसमानी जलाल के ख्वाहिशमंद हों। जलाल तक पहुंचने के लिए कोहे ताबूर के तजर्बे से गुजरने की दावत को कबूल करें। जब हम दुखों को शादमानी में तब्दील करते हैं तो यही एहसास हमारे लिए तब्दीली सूरत और कोहे ताबूर का तजर्बा बन जाता है। हम यसु के साथ मिलकर दुआ करें और जागें। बिशप रॉयल फरमाते हैं कि जब हम शागिर्दों के ताबूर के पहाड़ का तजर्बा देखते हैं तो वो जलाल के बेनकाब किए जाने के मौके पर सो रहे थे। वो गतसमनी में भी यसु के इंतहाई दुखों में सो रहे थे। जलाल में दाखिल होने के लिए जिस्म और रूह दोनों का तब्दील होना नहायत ज़रूरी है, तब ही हम आसमानी जलाल के लुत्फ से महजूज होंगे और हमारी जिस्मानी माहियत बिल्कुल बदल जाएगी। मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं कि आए बच्चों, मुझे तुम्हारे सबब से दर्द ज़ह लगे हैं, क्योंकि जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। गलातियों 4:4 उसकी 19वीं आयत। आइए हम मसीह की सूरत पकड़ें ताकि मुशरफ बेटे की मानी तब्दील होते हुए आसमानी बाप के जलाल में मकबूलियत पाएँ। खुदा ऐसा करने पर कादिर हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।